और स्वागत आपका वेनिस सिटी में। स्टेशन है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में, और ये जो है ये भी काफी बहुत ज्यादा ही पुरानी है। ये इंडिया में जैसे कुआ टाइप का होता है, इसे पानी निकालते हैं। 1300 साल में वहाँ था। ये वाली पेंटिंग तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी। इटली का एक बंदा था, उसने इसको चोरी करने की कोशिश करी थी। गाइस स्वागत आपका एक और नई वीडियो में, और स्वागत आपका वेनिस सिटी में, जो कि इटली की एक सिटी है, द सिटी ऑफ लव भी बोल सकते हैं इसको। और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ का जो सिटी सेंटर है वहाँ पर, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। यहाँ पे एक मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे और कुछ उधर वो बाजार है, आप इधर भी देख सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस साइड उधर सामने, तो थोड़ा सा मैं पहले भी आपको यहाँ का दिखा देता हूँ। जो ये चर्च है, ये काफ़ी पुराना चर्च है, और वहाँ पे आप जो फेमस पेंटिंग है वर्ल्ड की मोनालिसा की, इसके बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी जगह देखा होगा आपने। सो शी इज़ फ्रॉम इटली, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं उधर सामने, यहाँ से जो लगभग ये मान के चलो आप 15 से 20 मिनट की वॉकिंग है यहाँ का जो सिटी सेंटर है उसके। तो हम चलते हैं अभी सिटी सेंटर, और जो भी और रास्ते में काफ़ी चीज़ें देखने के। अभी तो ये एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे मतलब बीच में पानी नहीं है, ओनली वॉकिंग का है, और जस्ट यहाँ से 100 मीटर दूर फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी रास्ते में चलते चलते देखते हैं, और चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। काफ़ी आज थर्सडे है, तो काफ़ी क्राउड भी है। सो गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वेनिस सिटी में यहाँ पे जो ये मास्क देख रहे हो ना आप, इन मास्क का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे। हर शॉप पे आपको ऐसे मास्क देखने को मिल जाएंगे, और एक्चुअली मेरे को उस साइड चलना है, तो चलते हैं उधर सीधे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी शॉप्स आएंगे जहाँ पे हर शॉप पे आपको ये जो मास्क है वो देखने को मिल जाएंगे। अब वहाँ पे सामने देख सकते हो, इस पे भी मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा इंडियन है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको हर शॉप पे या हर जो भी रेस्टोरेंट पे कैफ़े पे आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे इस सिटी के अंदर जितने भी लोग जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी मैगजीन हो, शॉप हो, सुपरमार्केट हो, या रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, मोस्टली फॉरेनर ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, और भी अदर कंट्री के काफ़ी लोग हैं। और यहाँ के इटली का आपको पता ही है, इटली का फेमस पास्ता और पिज़्ज़ा, तो पास्ता और पिज़्ज़ा के आपको काफ़ी कैफे रेस्टोरेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, इस जो पीछे स्ट्रीट से आ रहा था, बस वही एक स्ट्रीट थी जिस पे मतलब जो बीच में पानी नहीं था। बाकी अभी हम यहाँ पे आ गए, आप सामने देख रहे हो बोट चल रही है, और मेरे को जाना है उधर ब्रिज पर क्रॉस करके उस साइड चलते हैं। और मैं उधर सामने रेलवे स्टेशन है उस साइड, आप सामने फ्लैग दिख रहे हो वहाँ पे। और मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप निकली हुई है, तो अभी चलते हैं ब्रिज पे, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप देख सकते हो। और उस साइड से मैं आया था, तो गाइस ये जो आप बोर्ड देख रहे हो सारी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे बस वगैरह नहीं चलती है, और ये बोट ही चलती है। तो बोट स्टेशन है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में, इसमें आप देख सकते हो अंदर लोग बैठे हैं, एक तरह की पैसेंजर बोट है। और इसकी मतलब ऐसे नॉर्मल अगर आपको वेनिस सिटी में जाना है तब तो इसकी 1 से 1.5 यूरो की टिकट है, और अगर आपको थोड़ा दूर जाना है तो फिर आप 75 मिनट्स के लिए 9 यूरो की टिकट ले सकते हो। और ये जो है ये भी काफ़ी प्यारा बना रखा है इन्होंने, ये कुछ
म्यूजियम टाइप लग रहा है जो कि अभी फिलहाल बंद है। जहाँ पे आप देख सकते हो पूरी सिटी जो है एकदम समुंदर के बीच में बनी हुई है और हर स्ट्रीट पे यहाँ पे आप लोगों को इसमें अगर घर में भी जाना है तो मतलब उनका गेट इस साइड है और इस साइड से अपना पूरा जो इधर पानी की जो स्ट्रीट है उसका पूरा व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। जो लोग भी यहाँ रहते हैं दोनों साइड ऐसा ही है, यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग के लिए बनाया हुआ है। और अपन चलते हैं अभी, आई थिंक उधर जाना है मेरे को, मैप में देखना पड़ेगा। ये वाली स्ट्रीट देखो आप यहाँ पे कितना मतलब बहुत ज़्यादा ही पुरानी है ये। और ये जो चर्च है सामने, और ये आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, ये बस पूरी सिटी जो समुंदर के अंदर बनी हुई है तो इस वजह से हाँ इसको जो बोल सकते हैं यहाँ पे पूरा नीचे से वो हो रखा है पानी की वजह से। सो गाइस हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा पुराना है और इस पर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि कब बना हुआ है, बट इसे देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना है ये, काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो पूरा। फिर हमें मोस्टली आपको हर बिल्डिंग ऐसे क्योंकि पानी के बीच में बनी हुई है तो सारी बिल्डिंग ऐसे हो रखी है नीचे से, और काफ़ी बिल्डिंग से तो बहुत बहुत ऐसे पुरानी हो रखी है, ऐसे लगता है देखने में कि पता नहीं किस टाइम गिर जाएगी, बट इटालियन में लिखा हुआ है परसों में मारिया ग्लोरिसा डेल फरारी। और यहाँ पे बच्चा रो रहा है पता नहीं क्यों। तो अभी चलते हैं सेंटर की तरफ, वहाँ पे है जो मेन कैथल वो उसको देखते हैं, और इस साइड से बैक साइड से तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हो बीच में, जैसे अपने भी वहाँ पे इंडिया में जैसे कुआं टाइप का होता है जैसे पानी निकालते हैं, ये भी उस तरह का ही बना हुआ है। ये यहाँ पे भी लोग वही है पहले किंग वगैरह रहते थे, हर जगह का यही सीन है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, ये 1300 सन में वहाँ हुआ था, तो अभी देख सकते हो आप कितना पुराना है ये, लगभग अभी इसको हो गए हैं 700 साल से भी ज़्यादा, और फिर भी मतलब लग तो वैसे पुराना ही रहा है देखने में, बट अब ये मतलब कितना प्यारा है देखने में। सामने ये भी बहुत ही प्यारा बना रखा है, तो गाइस ये वाली पेंटिंग तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी। इस पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, मोना लिजा है इस जो ये वुमेन है इसके अंदर, और एक्चुअली ये इटली से ही थी, और बट अभी इसकी जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के म्यूजियम में, वो जिसने बनाई थी उसको मतलब फ्रांस के किंग ने इन्वाइट करा था, तो वो जो पेंटिंग है वो अपने साथ ही ले गए थे, वहीं पे फिनिश करी थी और फिर वहाँ के किंग ने उनको गिफ्ट दे दी थी, तो अभी ये वहीं पे है। ऐसे काफ़ी वो है, काफ़ी हिस्ट्री इस पेंटिंग के बारे में। फिर इटली का एक बंदा था उसने इसको चोरी करने की कोशिश करी थी इसके फ्रांस के इसके म्यूजियम से, बट वो पकड़ा गया था बाद में। सो गाइस ये वाली स्ट्रीट भी आप देख सकते हो, इस पर पूरा अगर आपको इधर से उधर जाना है तो वो सामने जो ब्रिज बने हुए हैं उसको क्रॉस करके ही आपको जाना पड़ेगा, बाकी साइड जो लोगों की पर्सनल बोट वगैरह है वो इन लोगों ने यहाँ पे खड़ी कर रखी है, जब भी इनको जाना होता है तो ये अपने बोट से जाते हैं। दूसरी इस घर के दूसरी साइड गली है, वहाँ पर इनका मेन गेट है, और इसको आप देख सकते हो बड़े आराम से पोज दे रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो और अगर अभी आपको उधर जाना है सामने उस ब्रिज पे, तो आपको उधर सामने से ये सामने ब्रिज देख रहे हो, यहाँ से आगे जाके वो बंदा जा रहा है राइट साइड में, इधर से आगे जाके फिर एक और राइट लेके आप उधर आ सकते हो। क्योंकि अभी यहाँ पे एक मैग्नेट के शॉप पे आ गया था मेरे को, और ये वाला जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये वाइन बोट ये काफ़ी अट्रैक्शन वाली जो चीज़ है यहाँ पे, इस पर सब कुछ है, तो 1 यूरो का ये लेने की सोच रहा हूँ मैं, बाकी और भी है यहाँ।
गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रीट कितनी यहाँ पे पतली पतली है। और अभी मैं बिना मैप के चल रहा हूँ, तो पता नहीं है कहाँ पे जा रहा हूँ, तो देखते हैं आगे चल के। काफ़ी पुराने पुराने घर है यहाँ पे ऑलमोस्ट, और ये एरिया जो मोस्टली रेजिडेंस एरिया है यहाँ का, लोगों के घरों में पक्की इतने ज़्यादा लोग है नहीं, क्योंकि एकदम ये सिटी के थोड़ा सा साइड में है। जो भी टूरिस्ट लोग हैं वो घूम रहे हैं। सो गाइस वहाँ उससे गली से पिछवाड़े से निकल के मैं इधर बाहर आ गया था। सो गाइस यहाँ पे अभी मैं चेयर पे बैठ गया था, इधर लगा रखी हैं सीट्स, और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और सामने आप अंटार्कटिक ओशन देख रहे होंगे। वेनिस सिटी है ये, इसी सी के पास इसी सी बनी हुई है, और पूरी सिटी जैसे मैंने आपको दिखाई थी पूरी पानी के अंदर बनी हुई है। तो अभी बस यहाँ पे बैठा हूँ मैं, और अपना सामने का व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यही गाइस जो मैंने आपने देखा अभी वेनिस सिटी जो मैंने आपको दिखाया था, पूरे इनके यहाँ की स्ट्रीट कैसी है, पूरे पानी के अंदर पूरा बना हुआ है ये, मतलब अंदर नहीं हर स्ट्रीट पे पानी के है, और यहाँ पे सारी बोट्स ही चल रही है हर जगह, कोई बस वगैरह या कोई मेट्रो ट्राम ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे सिटी में आपको अगर इधर से उधर जाना है या तो वॉकिंग करके जाइए, और या फिर आपको बोट लेनी पड़ेगी। और यहाँ आसपास और आइलैंड भी काफ़ी आइलैंड है छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था बुरानो और मुरानो आइलैंड में, बुरानो आइलैंड पे गया था जिसपे हर घर अलग अलग कलर के थे, तो वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर मोस्ट अट्रैक्शन आइलैंड है यहाँ का वेनिस का वो। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं अभी यही तक, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।